सब्सक्राइब करो राना दानी यूट्यूब चैनल को और दबाओ इस बेल के आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरह किसी भी बंदे की जो कॉल हिस्ट्री है उसको किस तरह अपने मोबाइल में हासिल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं कि वो बंदा किसको कॉल कर रहा है, किस टाइम कॉल कर रहा है, या उसने अब तक कितनी कॉल्स की हैं और किन किन नंबर पे कॉल की हैं, किस टाइम कॉल की हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है आप उस पर नज़र रखना चाहते हैं, या आपका कोई दोस्त है या कोई भी आपका छोटा भाई है जिस पर आप नज़र रखना चाह रहे हैं, तो आप बहुत ईजीली तौर पर ये काम कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है दोस्तों। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ये सब कुछ कैसे करना है, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना है। और इसके बाद आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यह जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे जो बेल का निशान है उस पर भी दबा लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये बहुत ही आसान काम है, इसके लिए कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे काम करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना जो माइंड है ना उसको स्मार्टली तौर पर यूज करना चाहिए। आपको अपने थोड़ा माइंड को स्मार्टली वर्क यानी कि लेना चाहिए। आप अपने माइंड से ले सकते हैं तो वो आप लोगों ने किस तरह लेना है। इस काम के लिए दोस्तों आपने एक एप्लीकेशन यूज करनी है और कोई काम नहीं करना। तो जो एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बहुत ही इजीली तौर पर चेक कर सकते हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लें दोस्तों। ये जो एप्लीकेशन है आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करनी, आपने उस बंदे के मोबाइल में इंस्टॉल करनी है जिसका आप लोगों ने डाटा अपने मोबाइल में लेना है। अब फर्ज करें दोस्तों आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आप उसका डाटा चेक करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए तो आपको मोबाइल दे ही देगी, वो दे देगी या तो जो भी है वो आपको मोबाइल अपना दे देगा। तो आप लोगों ने उसके मोबाइल में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है और उसको किसी तरह गायब कर देना है। एप्लीकेशन को गायब किस तरह करते हैं वो दोस्तों, आप कोई भी एक ऐप लोग या कोई भी जो है ना एक ऐप लोग के लिए ज़्यादातर जो है ना उसको गायब किया जाता है, तो वो गायब हो जाती है, उस बंदे को पता भी नहीं चलता कि ये मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है क्योंकि वो सामने शो नहीं हो रही होती। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन कुछ काम जैसे ही आप लोगों ने थोड़ा सा आपके जो है 2 मिनट लगेंगे आप लोगों ने इसका सेटअप कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपके पास उसकी नंबर की सारी हिस्ट्री आ जाएगी, ये किस टाइम पर इसने इतनी कॉल किया है, इस नंबर पर कॉल किया है, और यहाँ पर आपको आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, मिस्ड कॉल और ऑल कॉल भी का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात आती है कि दोस्तों आप लोगों ने अपने मोबाइल में किस तरह ये सब कुछ हासिल करना है। तो ऊपर आपने देखना है और ऊपर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, सर्च का, 3 डॉट का और एक PDF का। दोस्तों आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास वेटिंग आएगा और उसके बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे, डन, उस एक ऑप्शन है डन, एक है व्यू और एक है मेल का। तो दोस्तों आपने इन दोनों को छोड़ देना है, डन और व्यू, और आपने मेल पे क्लिक कर देना है। और मेल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने जीमेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप जीमेल के साथ ओपन इसको करेंगे तो उसके बाद जो है ना आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जो है ना वो जीमेल टाइप कर लेना जिस पर दोस्तों आप चाहते हैं कि यार इस पर आपको जो है ना मैसेज मिलते रहे इसके, आपको ये बंदा किसी को भी कॉल करेगा, वो जीमेल आप लोगों ने दोस्तों सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपके जीमेल पर एक मैसेज आएगा, एक आएगा और उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये बंदा क्या करता है। और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने लिखने के बाद ऊपर आपने सिंपली जो है ना ओके कर देना, ओके करने के बाद आपने पैक आ जाना और इस एप्लीकेशन को किसी तरह गायब कर देना। उसके बाद वो बंदा किसी को कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा या किसी से बात करेगा, तो आपको उसी टाइम जो है ना जीमेल में मेल आ जाएगा कि ये बंदा इस वक्त इससे बात कर रहा है या कौन सा नंबर है। तो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो आपने इसका सही काम के लिए यूज करना है, इसको गलत पर्पज के लिए यूज नहीं करना, क्योंकि ये काफी अच्छी ऐप है। अगर आप किसी पे नजर रखना चाहते हो तो आप बहुत ही इजीली पर रख सकते हैं, बस उसको आपने एक दफा उसका जो मोबाइल है ना वो लेना है किसी तरीके से। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यार मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।